तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की। तो सबसे पहले जानें कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो आर्ग्यूमेंट होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी, ये ए है रियल पार्ट और ये बी है इमेजिनरी पार्ट। इस एक्सिस को रियल एक्सिस और इस एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट, इसका नाम पी है, जो ओपी एंगल बनाता है थीटा किसके साथ, विद रियल एक्सिस, उस एंगल थीटा को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज दिस थीटा। पर परेशानी ऐसी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है माइनस पाए से लेके पाए तक होगा, पर ये जो रोटेटिंग लाइन ओपी है, ये ओपी पूरी जब यहां से यहां तक मूव करेगी तो ये यहां से जीरो से स्टार्ट करके टू पाए तक आएगी। तो लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की अजम्पशन है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मस्ट बी लाइंग इन दिस इंटरवल, माइनस पाए से बड़ा और पाए से छोटा या बराबर ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं। वैसे यूजुअल तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट निकालने का, ये टेन थीटा इज बी बाय ए, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देयरफॉर इट इज टेन थीटा इज बी बाय ए। तो एक एग्जांपल देखें पहले हम। फॉर एग्जांपल नंबर वन, अगर आपको दिया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर रूट थ्री प्लस आई, तो रूट थ्री प्लस आई में ए क्या चीज होगा, ए होगा रूट थ्री, बी होगा वन, तो टेन थीटा होगा बी बाय ए वन बाय रूट थ्री, और टेन थीटा अगर वन बाय रूट थ्री है तो थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री और पाए बाय सिक्स, थीटा की वैल्यू होगी पाए बाय सिक्स। इसका मतलब है कि आपका नंबर जो है वो पाए बाय सिक्स मीन्स 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, रियल एक्सिस से। तो ये रियल एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, विच इज वेरी ट्रू, आप देख भी सकते हैं ये रियल एक्सिस है, ये डिस्टेंस कह रहे हैं वो डिस्टेंस ए रूट थ्री है और बी का वैल्यू वन है, ए रूट थ्री है बी वन है और आपका पॉइंट है रूट थ्री प्लस वन आए, रूट थ्री प्लस वन आए, इसी को आप कार्टेशियन में रूट थ्री कॉमा वन कहते हैं। तो आपका एंगल होगा 30 डिग्री, विच इज वेरी ट्रू। पर परेशानी दोस्तों कब आती है, ये दूसरा केस देखिए। अगर आपके पास है जेड इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आई, ये अगर केस देखेंगे आप तो ए देखिए, ए इज व्हाट, ए इज माइनस वन, बी इज कोफिशियंट ऑफ आई विच इज माइनस वन, और हम टेन थीटा का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आएगा बी बाय ए, बी बाय ए माइनस वन अपॉन माइनस वन विच इज वन, एंड देयरफॉर थीटा इज पाई बाय फोर 45 डिग्री, टेन थीटा इज वन मीन्स थीटा इज पाई बाय फोर एंड विच इज 45 डिग्री। अब 45 डिग्री है तो देखिए क्या होगा, 45 डिग्री है तो नंबर कहाँ होना चाहिए, आपका नंबर होना चाहिए यहाँ, ये डिस्टेंस माइनस, ये देखिए नंबर आपका होगा यहाँ पर। पर आप जिसका जो नंबर है जेड इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आई, आप वो देखिए कि एक्स की वैल्यू, ये जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है तो ये यहाँ आ गया, इमेजिनरी पार्ट यहाँ आ गया, तो इसका मतलब है नंबर आपका यहाँ पर है और हमारे हिसाब से कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ और कुछ स्टेप्स बताता हूँ। अगर दो चीज़ें आपने ध्यान में रख ली तो इसका मतलब आपने इसको जीत लिया और आपने इसको समझ लिया। सबसे पहले आप क्वाड्रेंट से चलें। अगर आपका, अब मेथड चालू कर रहे हैं हम, आप ध्यान से समझिए,
ए ग्रेटर देन जीरो और बी ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आपका आर्ग्यूमेंट होगा थीटा। अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ए लेस देन जीरो बी ग्रेटर देन जीरो सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपको क्लियर है, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, तो आर्ग्यूमेंट आपका होगा पाई माइनस थीटा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में है, ए लेस देन जीरो बी लेस देन जीरो के साथ, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो आपका आर्ग्यूमेंट होगा माइनस पाई प्लस थीटा। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ए ग्रेटर देन जीरो और बी लेस देन जीरो के साथ, तो आपका आंसर होगा माइनस थीटा। और बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है, यहाँ इस डायरेक्शन में जाते हैं और यहाँ आप रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये थीटा आपका माइनस थीटा हो जाता है, पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा हो जाता है। पर थीटा के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, टेन थीटा इज मॉड ऑफ बी बाय ए, टेन थीटा इज मॉड ऑफ बी बाय ए, तो टेन थीटा इससे निकालेंगे और आर्ग्यूमेंट के लिए ये टेबल का यूज करेंगे। दिस इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से ही देखें, 2 आपका प्रॉब्लम था, 2 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर है आपका माइनस वन माइनस आई, विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस वन बी इज इक्वल टू माइनस वन। नंबर बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, आप देखें नंबर बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, जेड बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा माइनस पाई प्लस थीटा। पर थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा देखिए, थीटा निकालने के लिए क्या दिया है आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बाय ए, मॉड ऑफ बी बाय ए, तो बी क्या है आपका माइनस वन, ए क्या है माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज वन एंड देयरफॉर थीटा इज 45 डिग्री और इन रेडियन यू कैन राइट पाई बाय 4। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 विच इज माइनस 3 पाई बाय 4। अब माइनस 3 पाई बाय 4 है तो आप कैसे देखेंगे उसको, माइनस है तो रिवर्स ऑर्डर में जाएं, 3 पाई बाय 4 है तो 135 डिग्री, तो रिवर्स ऑर्डर में 135 डिग्री, तो इसका मतलब है आपका नंबर इस तरह होगा, विच इज ट्रू, आप देख रहे हैं आपका नंबर यही है। तो ये एक तरीका है। अब एक आध केस और डिस्कस करते हैं, कुछ केसेस। क्वेश्चन नंबर 3 ले, जेड इज इक्वल टू ले लीजिए आप 3 माइनस रूट 3 आई, ए क्या है, ए है 3, बी है माइनस रूट 3, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, देखिए ए पॉजिटिव बी नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जेड बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। टेन थीटा कैसे निकालेंगे आप, टेन थीटा मॉड ऑफ बी बाय ए से निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस रूट 3 अपॉन 3, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू होने के कारण प्लस हो जाएगा, रूट 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बाय रूट थ्री तो क्या होगा, 1 बाय रूट थ्री, तो 1 बाय रूट थ्री होगा, तो थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री, पाई बाय 6। पर आर्ग्यूमेंट पाई बाय 6 नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट के लिए आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि नंबर किस क्वाड्रेंट का है, नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो माइनस पाई बाय 6, इसका आर्ग्यूमेंट होगा माइनस पाई बाय 6। अब कुछ केसेस इस तरह से, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, आप इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस आई, 0 माइनस 1 आई,
अब आप डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखिए आप ये 0-1 कहाँ आएगा आपका, 0-1 यहाँ पर आएगा आपका, 0-1 यहाँ आएगा। तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है? प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो टेबल में थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आपका नंबर यहाँ पर होगा, कब होगा यहाँ पर, जब वो प्योरली रियल होगा, तो आर्ग्यूमेंट होगा आपका जीरो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा जीरो। अगर आपका नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो आप यू मेजर करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, पाई बाय टू। अगर आपका नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा, यू होगा, तो माइनस थीटा होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा माइनस पाई बाय टू। और अगर आपका नंबर यहां पर है, ये अगर नंबर आपका प्योरली इमेजिनरी है, नेगेटिव इमेजिनरी, तब आर्ग्यूमेंट होगा आपका पाए, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, पाए। अब देखिए कैसे, अब इसके लिए जैसे इस केस में ये नंबर आपका यहां पर है, तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा माइनस पाई बाय टू। अगर आपके पास नंबर इस तरह का है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस थ्री, ओनली प्लस थ्री, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, प्योरली रियल है ये, तो बीइंग प्योरली रियल कहां पर होगा ये, तो इसका आर्ग्यूमेंट होगा जीरो। अगर आपका आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू माइनस टू लिखा है, तो माइनस टू है तो माइनस टू प्लस जीरो आई होगा, माइनस टू आपका इस साइड में जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट होगा आपका पाए। अगर आपका केस और डिस्कस करते हैं हम, अगर आपका केस आर्ग्यूमेंट इस तरह से है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू सेवन आई, सेवन आई, तो सेवन आई को आप लिख सकेंगे जीरो प्लस सेवन आई, तो जीरो प्लस सेवन आई आप देख लीजिए कहां आएगा, जीरो प्लस सेवन आई आपका यहां आएगा, तो आपका आर्ग्यूमेंट होगा पाई बाय टू। अगर आपका नंबर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस टू आई है, माइनस टू आई, तो माइनस टू आई को लिख पाएंगे आप जीरो माइनस टू आई, जीरो माइनस टू आई कहां आएगा, तो जीरो माइनस टू आई यहां आएगा, तो आपका आर्ग्यूमेंट होगा इस तरह से माइनस पाई बाय टू। तो ये स्पेसिफिक केसेस हैं जो आपको थोड़े से ध्यान रखना है, पर इनको ध्यान रखने के लिए अगर आपने इस टेबल को, इस चार्ट को समझ लिया, तो आपकी प्रॉब्लम दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है, तो आप मुझे ज़रूर से लिख भेजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियोस पे नज़र ज़रूर रखें। और अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़े हुए हैं और मैथ्स के इन किसी भी टॉपिक में अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप जेई के स्टूडेंट हैं, 11th 12th स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे ज़रूर से लिख भेजिएगा, मैं आपकी मदद करूँगा और भरसक कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना आए। कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मैं लिखता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि एक आपको नंबर देता हूँ मैं, जेड इज इक्वल टू टू प्लस सिक्स रूट थ्री आई अपॉन फाइव माइनस रूट थ्री आई, तो ये इस तरीके का कोई क्वेश्चन, फाइव प्लस रूट थ्री आई इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, आपका नंबर इस तरह से हो जाएगा वन प्लस रूट थ्री आई। या फिर एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपका, वो मैं आपको बताता हूँ, जेड इज इक्वल टू वन प्लस सेवन आई अपॉन टू माइनस आई होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी आपकी माइनस वन प्लस आई। अब आप इसका आर्ग्यूमेंट निकालने की कोशिश करें, माइनस वन प्लस आई कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे आप, इसका आर्ग्यूमेंट आएगा आपके पास 3π/4, इसका आर्ग्यूमेंट आएगा π/2,
पाई बाय थ्री। इस तरीके से आप ट्राई करें, मुझे लिख भेजें, अपने कमेंट्स जरूर लिखें मेरे साथ, अपने कमेंट्स शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो मुझे लिखें। विश यू ऑल द बेस्ट।